कॉन्फ्रेंस आर अलाउइंग हैव इट लेट्स वॉच इट सो दैट आप लोगों के दिमाग में एक बारी क्वेश्चन साफ तरीके से आ जाए कि क्या है. एक बारी ट्रेलर देख लेते हैं मूवी का. आई लास्ट टू प्ले subject to the market and you make movies on them. Thank you so much, Mr. Dutti Garibal. Thank you so much, Ms. Kulwant Kaur and everybody over here for being a part of this press conference. Thank you so much. पिछली वैसा की थे मंजे बिस्तरे जी. इस बारी जोगिंदर सिंह जी. सो जदों दी इस मूवी दी तैयारी चल रही है उस तो बाद अरदास आ गई, मंजे बिस्तरे आ गई. सो उस तो पहला दी फिल्म बन रही है. 3 साल लग गए जी क्योंकि बहुत वड्डा सब्जेक्ट सीगा अकॉर्डिंग टू आ पंजाबी फिल्म. तो मैं याद आ जदों साडे प्रोड्यूसर साहब दलजीत भाजी इन्हां दे ब्रदर सुमित जी मेरे को आए थे तो उदों तो मैं ये लगता सीगा कि फिल्म पॉसीबल ही नहीं है. सो पंजाबी आप नहीं बना सकते सूबेदार जोगिंदर सिंह. वेरी एक्सपेंसिव फिल्म तो इन्ना टाइम चाहिए, इन्नी टैक्नीक चाहिए आ. सो जिहड़ी चीज़ की हले पंजाबी सिनेमा च घाट सी. बट ये कहें कि तुसी साडे नाल खड़ो एफर्ट करो तो डेफिनेटली असी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आउण दिंदे. असी फिल्म बनावांगे पूरी जो रिक्वायरमेंट्स होणगियां असी वो फिल्म बनावांगे. ये बिना सोचे कि रिकवरी की है क्योंकि नॉर्मली की होंदा कि प्रोजेक्ट जो अज की डेट के फिल्म बनदियां ने वो उल्टियां बनदियां ने. पहला उन्हां दा बॉक्स ऑफिस देखा जाता फिर वह प्रोजेक्ट बनना शुरू होंदा फिर वह फ्लोर के उत्ते आउंदा. बट ये फिल्म राइट तरीके नाल बनी है, राइट सोच नाल बनी है. ये इधरले पासे में बनन लगी है. सो बॉक्स ऑफिस की होगा वो कल पता लगेगा. सो मेहनत वाला प्रोजेक्ट सीगा जी. सो शूटिंग में भी साल लगे, प्रोजेक्ट में तो 3 साल लगे ही लगे क्योंकि कदे वेट गेन करना सी कदे लूज करना सी. सो नॉर्मली मैं 72-73 के जी का हूँ, ये 92-93 के जी है. सो वो वेट बढ़ाना सी, फेस बहुत बड़ा चाहिए सी क्योंकि मैनू मेरा मैनू पर्सनली इदा लगता सीगा कि पहला तो शायद कोई सर्च नहीं सी करता बट जो फिल्म अनाउंस हो जूगी तो सारे गूगल सर्च करनगे कि सूबेदार जोगिंदर सिंह जी परमवीर चक्कर. सो जे उन्हां नाल मैं रिजेंबल नहीं करूँगा उन्हां वर्गा मैं लगूँगा नहीं तो शायद तुहाडी वह फीलिंग आ जिहड़ी तुहानू जिहड़ी चीज़ ने खिच पाउणी आ वह नहीं हो सकती. सो ये सारा कुछ सोच के जी टाइम कढ के फिल्म बनाई है. मैनू लगता कि मेरे करियर की हुण तक की बेस्ट फिल्म होनी चाहिए है जी. सो जिहदे च इन्नी एफर्ट की है, इन्नी मेहनत की है. तो वैसे ही सूबेदार जोगिंदर सिंह जी कल पंजाब के नहीं, पंजाबियों के नहीं, सिखा के नहीं, साडे देश लई माण. परमवीर चक्कर उन्होंने पूरे देश का सन्मान है. सो जो शहीद होए ने पूरे देश लई शहीद होए ने, कल पंजाबियों लई नहीं होए. सो उन्हां दी फिल्म बना के असीं उन्हां नूं वड्डे करना सी, छोटा नहीं सी करना. सो इदां दी फिल्म बनाउण लई बड़ियां चीज़ां सोचणियां पैंदियां कि कुछ रोंग ना हो जाए. आर्मी तो बड़ी इनफॉर्मेशन चाहिए सी, उन्हां दी फैमिली तो बड़ी इनफॉर्मेशन चाहिए सी. मैं चाहुंदा सी कि जदों तक पूरी चीज़ां असीं अप टू द मार्क नहीं कर लैंदे असीं उन्नी देर शूटिंग स्टार्ट नहीं करनी जी. सो टच वुड सारे ने साडी बहुत सपोर्ट कीती जी. चीज़ां सारियां वधिया होंदियां गईयां और उहदा रिजल्ट वधिया ही आया जी. और प्रोड्यूसर ने बड़ी एफर्ट की है और हुण तक जिन्होंने भी ट्रेलर देखा क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री का पहला ट्रेलर इदा का सीगा क्योंकि जब रिलीज़ किया विदइन 2 मेरे ख्याल 24 आवर्स 472,000 लोगों ने तो फेसबुक पर शेयर किया. सो एडी रीच कदे पंजाबी ट्रेलर की हुई नहीं जी. तो मैं लगता कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हाँ जी जिन्हों इस फिल्म के काम करने का मौका मिला. गिप्पी जी कोई सोच बदली है क्योंकि जो भी कोई तुसी इस तरह का सब्जेक्ट करते हो. लास्ट टाइम मैं एक फिल्म की सी अरदास, मेरी परसनल लाइफ बड़ी चेंज हुई सी उस फिल्म करके. सो हुण सूबेदार जोगिंदर सिंह जी करके क्योंकि ये चीज़ आपां बचपन तो पता होंदी है कि जिहड़े फौजी ने वो साडे लई देश की सरहद पर बैठते ने, साडे लई जागते ने, साडे लई अपनी जान गवाउंदे ने. फिर भी जिहड़ी रिस्पैक्ट फौजियों के लिए अपने मन च होनी चाहिए आ मैनू समझ नहीं गई कि वो अपने मन च क्यों नहीं होंगी. लाइन के आप खड़े हुई है कोई फौजी आ जाए आप अपनी जगह नहीं देंगे, बस के बैठे हुई आप सीट छड़ के आप उन्होंने जगह नहीं देंगे है. सो मैं उन्होंने फैमिलियां मिलिया, सारे मिलिया वा. मेरे अकॉर्डिंग जिनी गुड कंडीशन जिन्हें वधिया हालात इन्हों के होने चाहिए ने उन्नी फैसिलिटियां इन्हों नहीं मिलती है.
जबकि मतलब फौजी उत्थे बैठा ये चीज़ भुल जाता वा कि मेरा परिवार कौन है। साड़ी फिल्म दे विच एक डायलॉग हैगा है कि जो सानू चीज़ा पता लगियां सी कि एक वक्त इदां दा आ गया सी जदों पिछों ऑर्डर आ जाते हैं कि तुसी पोस्ट छड़ दो, तो उन्हूं कहा जाता सूबेदार जोगिंदर सिंह जी नूं कि जोगिंदर तू अपने बच्चों बारे सोच। तो उन्हां दा अग्गों आंसर ये सी कि जे मैं 50 करोड़ लोग 50 करोड़ के बच्चों बारे सोचूंगा, मेरे बच्चों बारे तो कोई ना कोई सोचूंगा ही। सो मैं ये सोचता कि चलो जोगिंदर सिंह जी तो फिर भी वो सीगे जिन्होंने परमवीर चक्कर मिले, उस पोस्ट के हैड सीगे, 21 बंदे नाल होर भी शहीद हुए जिन्हां दे लोगों को नाम भी नहीं पता। सो डेफिनेटली सोच कल्ली मेरी नहीं, बहुत लोगों की बदल होनी चाहिए है। सो असी कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को भी हौली हौली अवेयर करिए। मैं जिन्हिया इंटरव्यूज़ कीतियाँ, ईवन असी न्यूयॉर्क म्यूजिक लॉन्च किया फिल्म का, मैं कैनेडा गया, यूके गया, स्पैशली असी नॉर्मली कई फिल्मों लिए नहीं जाते हैं। सो मैं इस फिल्म लिए इसे करके गया क्योंकि वो फिल्म सी जिदे नाल एक फिल्म घर घर पहुँचाने का साडा फर्ज बनता, पता लगना चाहिए कि वह कौन सी इतिहास के पन्नों खोया हुआ चैप्टर सीगा। ये ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਐ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਨਰ ਹਮਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹਮੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮੇ ਬਣਾਤੇ। ਵੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਥਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਫਿਲਮੇ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਤੀ ਥੀ ਕਈ। ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰ ਹਮੇ ਪੂਰੀ खोल दिया कि आप जो मर्जी बनाओ। सो सूबेदार जोगिंदर सिंह कल रिलीज़ है एंड सब टीम बहुत खुश है। तो लैंग्वेज पंजाबी रहेगी वर्ल्ड वाइड इसकी? इसकी हिंदी और पंजाबी दोनों रहेगी। जो पंजाबी बेल्ट है उसमें तो नॉर्मल पंजाबी है सब जगह पे, बट जहाँ जहाँ हिंदी फिल्में लगती हैं जो हिंदी वाली बेल्ट है वहाँ हिंदी पंजाबी मिक्स है। क्या कहते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कुछ चेंजेस आपने बताया कि फौजी लाइफ को देखकर आपको हुए? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी, मतलब टफ़ एक्सपीरियंस था। पहली बार ऐसी फिल्म की है जिसमें मैं बता नहीं सकता कि नो वैनिटीज़ कुछ नहीं था। द्रास में जाके शूट करते थे, लेह लद्दाख जाके प्लेन लैंड करता था, वहाँ से 6-7 घंटे लगते थे कारगिल को, कारगिल से आगे 2 घंटे लगते थे द्रास को। सो वहाँ से भी गाड़ियाँ रुकती थी, फिर एक पहाड़ चढ़ना पड़ता था, फिट बंदा उसको 25-30 मिनट में चढ़ता था, अनफिट आपके जैसा 1 घंटे में चढ़ता था। तो कंटिन्यूसली 50 दिन ऑलमोस्ट शूट चला वहाँ पे, तो शूट था हमारा 25 दिन का, बट 50 दिन लग गए इस चक्कर में क्योंकि वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब थे वहाँ पे। तो इतनी ठंड हो जाती थी, -15-20 टेम्परेचर हो जाता था, और हमने जो शूट थी वो सर्दियों में हो रही थी, बट जो ओरिजिनल लड़ाई थी वो गर्मियों में थी, तो हमारे स्लीव्स वगैरह ऊपर होते थे तो ठंड बहुत लगती थी, तो बट वैसे ही मैनेज करना पड़ता था। और दोपहर को बड़ी तूफान आ जाता था, अंधेरी चलती थी बहुत ज़्यादा, मिट्टी उड़ने लग जाती थी, शूट नहीं हो पाती थी आफ्टर 1:30 बजे के बाद। सो ये रैंडम चीज़ें होती रहती थी। एक्शन बहुत था, इतना एक्शन कभी किया नहीं था, कभी ना कभी इतना बड़ा यूनिट था किसी ना किसी के चोट लग जाती थी। उस तरफ चाइनीज़ 1000 से ऊपर चाइनीज़ थे, वो भी डेली आते थे, इधर हम थे, फिर यूनिट था 2000 बंदे का यूनिट हो जाता था, खाना लेके जाना पड़ता था ऊपर, मतलब यहाँ 2000 बंदा नीचे आए। सो बहुत चीज़ें थी जो टफ़ थी। सूरतगढ़ में शूट किया राजस्थान में, वो बहुत बड़ा शूट था, बड़े बड़े सेट लगे, ट्रेन्स बनी, तब दिल्ली से लाहौर वाली ट्रेनें चलती थी वो बनी, फरीदकोट ये वो सब पुराने रेलवे स्टेशंस बने। सो वर्ल्ड वॉर टू का सेटअप था, वो पुराने टैंक बनने थे, वेपन्स बनने थे, सब मैसिव प्रोडक्शन, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, बहुत बड़ी फिल्म है। तो बाकी जो फौजियों की बात आपने पूछी कि क्या चेंज आया, चेंज बहुत आया जी, क्योंकि इतने फौजियों को मिले हैं, इतने लोगों को मिलने के बाद पता चला कि उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं देश के लिए, हमारे लिए। सो वो सब चीज़ों से अटैच्ड हुए हैं जी। सो फिल्म तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ही है, बट अभी फौजी हमारे सब वो बहुत करीब आ चुके हैं इस फिल्म की वजह से। सो मुझे लगता है कि जो रिस्पेक्ट हमारे मन में जेन्युइनली होनी चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं कम है, पता नहीं क्यों, उनको मिलके मुझे ये चीज़ फील हुई, बट हम उस चीज़ को भी साथ साथ अवेयर कर रहे हैं। और ये फिल्म हमारी खास तौर के सब उन्हीं फौजियों के लिए, देश के शहीदों के लिए। फिल्म में सबसे एक्साइटिंग सीन क्या था आपके लिए? एक्साइटिंग सीन क्या था,
एक्साइटिंग सीन तो फिल्म में बहुत से हैं। सो काफ़ी चीज़ें हैं फिल्म में जो मेरे बहुत करीब थी, जो मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत करीब थी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अटैच हूँ, वैसे सभी लोग होते हैं। जो सूबेदार जोगिंदर सिंह जी थे वो अपने बच्चों के साथ बहुत अटैच थे, ये उनकी बेटी हैं कुलवंत कौर जी। सो उसमें काफ़ी मोमेंट्स हैं जो उनके अपने बच्चों के साथ हैं, बड़े इमोशनल मोमेंट्स हैं जो बड़े आपको टच करते हैं। मतलब मैं तो इतना होया था, मतलब दो तीन सीन में मैं इतना भावुक हो गया कि मैं रोया सेट के ऊपर बहुत, मतलब हमें रोकनी पड़ी शूट। तो वो मेरे बहुत हार्ट के क्लोज वाले सीन हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो फीलिंग है उस वक्त की जो फीलिंग है, शायद आप जब फिल्म देखोगे तो आपको समझ आएगी। तो आपको कि एक्शन सीन ज़्यादा करने में मज़ा आया या फिर आपको इमोशनल सीन ज़्यादा करने में? मुझे एक्शन सीन करना ज़्यादा मुश्किल लगता नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से एक्चुअली एक्शन फिल्में करनी चाहता था। पंजाब में बहुत ज़्यादा एक्शन फिल्में नहीं बनी हैं, कॉमेडी ज़्यादा बनती थी, और मेरी लकीली तीन चार कॉमेडी फिल्में बहुत ब्लॉकबस्टर होगी, तो उसके बाद कॉमेडी मेरे पास फिल्में आई गई। बट मैं ऐसा सिनेमा करना चाहता था। बट मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम खुशकिस्मत है कि ये फिल्म का हम हिस्सा बने। सो इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो हमारे हाथ आया। सो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। थैंक यू सो मच।